तो यहाँ पे आज श्रीजा की फ्रेंड आई है। क्या बनाया? देखो ड्राइंग बनाई है बच्चों ने। और इसका नाम क्या नाम है बेटा, आप अपना नाम बताओगे? पीयू। और पीयू, और देखो ये है भी क्यूट क्यूट बेबी। और श्रीजा की फ्रेंड है, और श्रीजा ने भी ड्राइंग बनाई है, पीयू ने भी बनाई है, डॉल बनाई है। मैंने डॉल बनाई। तो आप जरूर कमेंट करना बच्चों के ड्राइंग पे। चलो आपको अपनी फ्रेंड से भी मिलवाती हूँ, आपको अपनी बचपन की सहेली से मिलवाती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बड्डी जिसको कहते हैं। और ये और मैं बचपन में साथ थे, अभी भी साथ है। और इसका नाम है रचना। और नीचे कमेंट्स भी मिलेंगे आपको इसके। कितने दिन बाद आई है मेरे से मिलने? हाँ, बहुत दिन बाद। तो आना चाहिए ना जल्दी जल्दी मिलने। आ गई ना, तो बिजनौर जाती है यहाँ से निकल के, लेकिन मेरे से मिलने नहीं आती। तो नीचे ना कमेंट में इसको ऐसा सा बोलना कि जल्दी जल्दी आया करे। और अच्छा लगा आज ये मिलने आई, बहुत अच्छा लगता है काफी दिन बाद जो हम लोग मिलते हैं ना। पहले हम लोग बहुत जल्दी जल्दी मिलते थे, क्योंकि पहले रोज ही मिलते थे। हाँ नहीं, जब हमारी शादी भी होगी थी, मेरठ ही रहती थी पहले भी, शंकर खेड़ा में रहती थी, तो बहुत अच्छा लगता था उससे मिलके। लेकिन आज काफी दिन बाद मेरे से मिलना है, बहुत अच्छा लगा। तो मेरी फ्रेंड कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। स्कूल टाइम में इतना फन किया है, मतलब हम आपको बता नहीं सकते कितनी सारी मेमोरीज है ना स्कूल टाइम की, याद आती है ना। तो एक इमली का वो टॉफी आती थी, इमली का गुल्ला बोलते थे उसको, हमने बहुत खाए, बहुत ही मजेदार बातें। तो कभी ये आए रुके तो मैं आपको इससे मिलवाऊँ, लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए मैं इससे मिलने के लिए आई, और बहुत अच्छा लगा मुझे इससे मिलके। और पीयूष की बेटी है, और मेरी फ्रेंड है ना, क्यूट क्यूट, एक जैसे हम पहले में एक जैसे बोलते थे ना। हाँ, और अपने दोस्तों से मिलके ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना, ये तो आप एग्री करोगे। मतलब आप किसी फैमिली मेंबर से रिलेटिव से मिल रहे हो, हाँ मूड फ्रेश हो जाता है। अपसेट हो तो साथ में बात कर लो, बस मूड फ्रेश हो गया। हाँ, तो दोस्तों का ना कुछ अलग ही होता है, वो कॉलेज टाइम स्कूल टाइम बस एक दूसरे का फेस देख के सब कुछ याद आ जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग अब मेरे फ्रेंड बन चुके हो, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। और बस थोड़ी देर मेरी फ्रेंड मेरे से मिलने के लिए आई, और फिर निकल गई गाजियाबाद के लिए। तो गाजियाबाद में रहती है, और इसकी गुड़िया रानी है। तो थोड़ी देर भी मिली, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगता है ना आप फ्रेंड से मिलके, तो वैसे भी अच्छा लगता है। और अब फिर से मैं जा रही हूँ, रेडी होकर दिया है, और फ्रेंड से मिलना है मेरे को। तो अधिकतर मेरे वॉक की शुरुआत गाड़ी में होती है, और आज किसी ऐसे बंदे से मिलने जाती हूँ जिससे मिलने के बाद आपको भी बहुत खुशी होगी, आप उनको जानते ही हैं। तो आज का ब्लॉग एक सरप्राइज ब्लॉग होने वाला है, आप जुड़े रहिए। और थोड़ी देर में तो आपके साथ रिवील हो ही जाएगा कि कहाँ जा रही हूँ, किस से मिलने जा रही हूँ। मेरी थ्रेडिंग तक भी नहीं हो रही, और बाल भी पूरे व्हाइट हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो बस मैं पहुँचने ही वाली हूँ, और आपसे मिलवाती हूँ। और आप तो पहले ही मिले हुए, आप लोगों की भी फ्रेंड है वो, और मेरी भी फ्रेंड है। कई बार आप उनको और मुझे देख चुके हो कैमरा पे, बट कई बार हम लोग ना शूट भी नहीं गया मिले। तो चलिए आज मिलते हैं, और आज शूट भी अच्छा ब्लॉग देंगे। सो गाइज, हम मेरठ के पीवीएस मॉल में आए हैं, और बच्चे दोनों मेरे साथ में हैं, दीयू है, राखी है, और मेघा जी हैं। तो अचानक से मिलने का प्रोग्राम बना हम लोगों का। तो देखो आ गई आपकी प्यारी दोस्त, और मेरी भी प्यारी दोस्त, और ये बहुत क्यूट सी छोटी सी बच्ची सी मॉल में, और मेरे साथ में इतनी अच्छी बड़ी यूट्यूबर और बहुत ही प्यारी इंसान है दीपक दिया गन्ना की, मेघा जी। और गुड़िया रानी को झूले झूल रहे हैं, तो झूलों में ले जा रहे हैं बच्चों को, और कोई मिलने आने वाला है, कभी आपको मिलवाएंगे हम लोग। मिलने आया वो कभी आए ही नहीं, और हम लोग वेट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, और वेट कर लेते हैं। वो श्रीनगर में ही रहते हैं देखो, और हम इतनी दूर से आ गए, और बच्चे खेल रहे हैं शाम को। बच्चों को तो गेम्स ही चाहिए होते हैं, और तीनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं, और बच्चे बिल्कुल घुल मिल गए रियो के साथ में ना, पिज़्ज़ा को और चिकन को बड़ा अच्छा लगता है। तो आज एक नई फ्रेंड से मिले, उनके चैनल का नाम है अर्चिका ब्लॉग्स, आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो आज वो मिलने आई थी, और मुझे तो पता भी नहीं था मैं किससे मिलने जा रही हूँ, फिर भी मैं आ गई थी। और हस्बैंड का आज डायलिसिस था, तो थोड़ी देर के लिए मिले हम लोग। देखो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं, और दीयू भी बिल्कुल बच्चों में घुल मिल जाती है। तीनों बच्चे बहुत मज़े से खेलते हैं, दीयू वो फ्रेंड है, तो आप ज़रूर देखिएगा उनके चैनल को भी दोस्तों। और उसके बाद में उन्होंने हमें पार्टी भी दी, छोटी सी ट्रीट दी, मतलब हमने बर्गर वगैरह खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, मैंने ही कोल्ड ड्रिंक पी, मुझे लगा सब लोग पी रहे हैं, तो मैंने भी बोल दिया कि हाँ पी लूँगी, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक वैसे कम पीती हूँ। और मैं उस दिन मुझे अपने ऊपर हंसी भी आ रही थी, यार कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा और मैं ही पी रही हूँ, जबकि मैं बहुत कम पीती हूँ। तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं।
और आज मैं आपको बताऊँगा, आज मैं बहुत पेन में थी और देखो मुझे देख के कोई पता नहीं लगा सकता कि मैं इतने पेन में थी। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं अपनी फीलिंग्स इधर रिवील नहीं कर पाती और मेरा पूरा पैर जला हुआ था। कैन यू इमेजिन कि मैं इतनी अच्छी तरह हंस रही हूँ और मेरा पैर इतनी बुरी तरह जला हुआ है। तो बस वही लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज है कि पैर का जला हुआ वाला दर्द भी ना पता ही नहीं चलता यार, इतनी टेंशंस हैं लाइफ में। तो देखो ये हमारी प्यारी फ्रेंड लाई हमारे लिए बर्गर और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, उनकी भी एक गुड़िया रानी है येलो टी शर्ट में, और कितने अच्छे गुल मिल जाते हैं बच्चे साथ में मिलते हैं तब। और बस मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया यार, इतना कोई ब्लॉगिंग नहीं की, मेरा मूड भी कुछ अच्छा नहीं था। और फिर हम जल्दी में आ गए वापस, मुझे बाद में लग भी रहा था कि शायद मेरी वजह से उन लोगों को जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो हस्बैंड का डायलिसिस था, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है आने के बाद में। और पहले तो मैं सोच रही थी कि ना ही जाऊँ, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड खुद ही कहने लगे कि नहीं चलो मिल लो, फिर तुम मिल नहीं पाओगी बाद में, हम सर्जरी में बिज़ी हो जाएंगे। तो बस वही दोस्तों, तो आई थिंक आपको छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जब हम हैप्पी होते हैं ना तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब थोड़ा सा अपसेट से होते हैं ना तो कुछ भी चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लगती। और दियू से और हमारी प्यारी नई फ्रेंड से मिलके, उनकी गुड़िया रानी से मिलके, उनकी भाभी जी भी थी साथ में, मैंने शूट मतलब कुछ सही से शूट वूट नहीं किया, आप देखना उनके ब्लॉग्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये छोटा सा ब्लॉग आई थिंक आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। देखिए बच्चे कितने हैप्पी हो रहे हैं, और जब अच्छा लगता है हम मिलते हैं दियू से और मेघा जी से, तो वो दोनों तो छोटी हैं, हम दोनों से तो ऐसा लगता है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चे हैं जो है ना फैमिली में, उनसे मिल रहे हैं। दियू से मिलके और मेघा जी से मिलके कभी ऐसा लगता नहीं है कि मतलब हम लोग अभी नए फ्रेंड बने हैं कुछ टाइम से, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलने के बाद में। और बस वही दोस्तों, चलिए फिर एक अच्छे ब्लॉग से के साथ में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल।